एसएनएमएमसीएच में इलाजरत पूर्व विधायक को कोर्ट के आदेश के बाद आज दूसरे अस्पताल में जांच कराया गया। झरिया बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव सिंह को आज कोर्ट के आदेश के बाद एसएनएमएमसीएच से आविष्कार डायग्नोस्टिक में मेडिकल जांच कराया गया। इस दौरान पूर्व विधायक की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने चचेरे भाई समेत चार लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में 6 वर्षों से धनबाद जेल में बंद है। पिछले 11 जुलाई को जेल में कुर्सी से गिरने से कमर हाथ पैर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद जेल प्रबंधक ने एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया था। स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने की वजह से संजीव सिंह की पत्नी और परिवार के सदस्यों ने अपने खर्च पर निजी अस्पताल में इलाज कराने की मांग कोर्ट से किया था, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट के आदेश के बाद आज संजीव सिंह को दूसरे अस्पताल में जांच कराया जा रहा है। मत जाइए। एमआईआर के लिए आए थे और डॉक्टर जाकर तो नहीं हो पाया, शरीर काम नहीं किया और सर में काफ़ी जोर दर्द होने लगा। एमआईआर का मशीन इतना आवाज़ करता है जिसमें वो नहीं सहते, बेहोश हो गया। फिर काफ़ी देर हम लोग वेट भी किए, नहीं हो पाया। शरीर में इतना कमजोरी आ गया जैसे इन्होंने बताया, 10 दिन से 15 दिन हो गया खाना खाने की वजह से, और सर में इतना तेज दर्द होने लगा जिसके कारण आज नहीं हो पाया। देखते हैं कल क्या होता है। अभी प्राइवेट अस्पताल के लिए क्या होता है? देखिए, एक बंदी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अनुमति तो मिला है लेकिन सरकार के इतना दबाव है कि जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बजाय सिर्फ जांच का अनुमति मिला है। सरकार के दबाव है, प्रशासन के घोर लापरवाही है, उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है, एक पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब हम उसी हॉस्पिटल में रहेंगे या तो फिर हम वापस जेल भेजने का मांग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या आप मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल, 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।